हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मैकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही यूजफुल टूल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप किसी प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिक का काम करते हो, यानी अंडरग्राउंड फिटिंग का काम करते हो, तो आपके लिए ये टूल बेहद ही यूजफुल होगी। और इस टूल का नाम है हेमर ड्रिल मशीन। तो अब मैं इस मशीन का आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इसका यूज भी करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो टूल है जिसका नाम है हेमर ड्रिल, और ये आपको अगर आप अमेजन से परचेज कर रहे हो तो 3200 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इस मशीन का जो परचेज करने का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए देखिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए आप, ठीक है, ये है हमारा हैमर। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे एक हैमर मशीन मिली है, और इसके अलावा एक इसकी जो मैनुअल बुक है, ठीक है, इस तरह से इसकी जो बनावट है, उसके पार्ट है, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इनके अलावा हमें 4-5 बिट भी मिली है इसके साथ में। ठीक है, 5 बिट है, और इसके अलावा एक जो फिक्सर है, यानी हम इस मशीन से जो होल करते हैं तो उसको फिक्स कर सकते हैं कितना होल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको अलग रख देता हूँ। तो अब मैं इस हैमर के बारे में बता देता हूँ। ये जो इसका मेन लीड है, इसके द्वारा हम 230 वोल्टेज एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इसका स्विच, यानी इसको बंद और चालू करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर एक रेगुलेटर भी दे रखा है, यानी हम इसको जितना दबाएंगे उसके हिसाब से इसका जो स्पीड होगा। और जैसे हमने देखिए, कम दबाएंगे तो इसका स्पीड कम होगा, और ज़्यादा दबाएंगे तो इसका जो स्पीड है वो फास्ट होगा। उसके बाद ये होता है इसका लोकर। तो इसके द्वारा जैसे देखिए, मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ कि यानी ये चलती रहे, तो इसको हम दबा देते हैं, और ये यहाँ पे लॉक लग गया इसके, यानी अब हमें इसको दबाए रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके जो राउंड होते हैं, यानी इसको हम दोनों दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे अब इसमें यहाँ पे साइन भी दे रखा है, ठीक है, ये देखिए दोनों साइड में कि कौन सी साइड में घुमा रहे हैं। तो अब इस साइड में घूमेगा, अब दूसरी साइड में अगर यानी उल्टा घुमाना चाहते हैं तो हम इसको देखिए, ठीक है, अब ये उल्टा घूमने लग जाएगा। ठीक है, यानी जिस तरह से टाइटर होता है, टाइटर के अंदर होता है ये जो फंक्शन होता है, यानी दोनों दिशा में घुमाने का, तो उसी तरह से इसमें भी ये दे रखा है। और इसके नीचे इसकी जो प्रॉपर्टीज, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसका नाम है रोटरी हैमर, यानी ये रोटेट भी करता है और हैमर की तरह भी काम करता है। और इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, और इसका जो वाटेज है वो है 900 वाट की है ये। और इसका जो आरपीएम है उसको हम 0 से लेकर के 1150 आरपीएम तक की ये मशीन है। और इसके अंदर जो बिट डालेंगे हम वो है 26 mm का, यानी इसका जो लास्ट बिट डालेंगे वो 26 mm तक डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ कि अब जो ये जो नए हैमर आए हैं, इसके अंदर एक फैसिलिटी ये भी है कि इसके अंदर पहले वाले जो हैमर होते थे उसके अंदर दो ही दिए जाते थे। ठीक है, एक तो ड्रिल की तरह काम, और दूसरा ड्रिल के साथ में जो हैमर, हैमर यानी जो जिस तरह से छेनी काम करती है उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, दो, ये तीसरा वाला नहीं था। तो अब जो नए हैमर आए हैं इसके अंदर तीनों ऑप्शन दे दिए गए, यानी यहाँ पे ड्रिल काम करेगा, और यहाँ पे ड्रिल भी चलेगा, यानी रोटेट भी, यहाँ पे केवल रोटेट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे रोटेट भी करेगा, और चोट भी लगेगी, यानी जिस तरह से छीनी के द्वारा हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं उस तरह से चोट भी लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल इसमें छीनी का काम करता है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे पहले इस मोड पे दे रखा है, अब अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो उसको यहाँ पे देखिए पुश करना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है। ठीक है, इसको दबाते हैं फिर घुमा देते हैं। ठीक है, अब यह यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब अगर यहाँ पे चाहते हैं हम लाना तो इसको फिर पुश करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं इसको बारी बारी करके चला करके भी दिखाता हूँ।
तो अब हम इसको देते हैं 230 वोल्ट एसी सप्लाई। इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, तो उसके लिए मैं एक बोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एसी 230 वोल्टेज है, और अब इसको हम यहाँ पे इस लीड को डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो मोड है वो केवल है रोटेट काम करेगा, यानी रोटेट करेगा ये, ठीक है। जिस तरह से ड्रिल होता है, ड्रिल मशीन की तरह ये काम करेगा। तो मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। जैसे मैं, अब देखिए रेगुलेटर को भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको कम दबाया, ठीक है, जैसे ज़्यादा दबाता हूँ, अब देखिए इसकी दिशा को भी आप देख लीजिए किस दिशा में घूम रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको चाहते हैं कि ये उल्टी दिशा में घूमे, तो उल्टा चलाने के लिए हम इसको देखिए इस तरह से करते हैं सेलेक्ट, और अब देखिए, अब ये यानी पहले इस दिशा में चल रहा था, अब ये इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलेटर पहले की तरह काम करेगा, यानी स्पीड इसका कंट्रोल कर सकते हैं हम, और इसको दोनों दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, यानी ये ड्रिल की तरह काम करेगा। अब हम चाहते हैं कि ड्रिल के साथ में ये जिस तरह से छेनी काम करती है तोड़ने के लिए किसी चीज़ को, तो उसी तरह भी काम करवाना चाहते हैं। तो अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, देखिए इस तरह से यहाँ पे कर दिया। अब देखोगे तो ये रोटेट भी करेगा और आगे पीछे भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पास मिलाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको केवल और केवल इस हैमर वाले यहाँ पे, जहाँ पे हथौड़ा जो निशान दे रखा है वहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं, जिस तरह से हथौड़ा काम करता है चोट मारने का, उसी तरह से काम करेगा। तो अब देखिए ये रोटेट नहीं करेगा, केवल ये आगे पीछे काम करेगा, यानी हथौड़े वाले जैसा काम करेगा, ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो अब देखिए मैं इसके अंदर एक बिट डाल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो बिट है वो अलग अलग होता है, देखिए ये कोई पत्थर का इसमें कोई छेनी है, और देखिए जैसे ये देखिए जिस तरह से छेनी होती है उस तरह से काम करेगी, ठीक है। और ये हो गया पत्थर वगैरह में भी इसका, इसके द्वारा होल कर सकते हैं, ठीक है, दीवार में या फिर पत्थर में। और ये नुकीली छेनी हो गई, ठीक है, यानी इसके द्वारा हम रोटेट भी करेंगे ना, तो तब भी ये काम करेगा, रोटेट करेगा और आगे पीछे होकर के होल बड़ी आसानी से ये कर देता है, और बहुत ही फास्ट कर देता है। और चार पांच फीट हमारे साथ में देता है साइज के अनुसार, कितने एमएम का है, ठीक है। ये थोड़ा उनसे पतला है और ये मोटा है, और ये छीनी टाइप का हो गया, और ये थोड़ा सा आगे नुकीली छीनी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए देखिए हम जैसे इसके अंदर मैं एक बार लगा देता हूँ, और इसको देखिए कैसे इसके अंदर डालते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लाते हैं और देखिए थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं और इसको दबा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये चला गया। अब देखिए इसको हम वैसे निकालना चाहें तो ये नहीं निकलेगा, तो निकालने के लिए ये जो लॉक होता है इसको नीचे करते हैं, ठीक है। अब नीचे करते हैं तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये देखिए निकल गया, ठीक है। तो दबा देते हैं, अगर डालना होता तो हम इसको दबा देते हैं, और निकालना होता इसको लॉक को हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें, मान लीजिए एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको, मैं एक बार ड्रिल वाले मोड पर ले आता हूँ, अब देखिए हमें मान लीजिए इतना होल करना है, तो उसके लिए इसका, इस टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए
मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे ये जो शर्गिया इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको देख सकते हो, जैसे ये करीबन इतना होल निकालेगा, उसके बाद ये आगे अड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रिल आगे नहीं जाएगी। तो इसलिए मतलब इसका जो यूज है इस में भी किया जाता है, ताकि जो होल होता है वो हम अपनी इच्छा अनुसार इसका जो साइज है वो कर सके। अब आपको थोड़ा सा यूज भी करके दिखाता हूं कि मशीन किस तरह से काम करेगी। तो सबसे पहले मैं जो होल करने वाली बीट है इसी का यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नुकीले वाली छीनी है इसका यूज करके देखेंगे, यानी इसका जो होल है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, और इसके बाद ये जो छीनी है इसका यूज करके देखेंगे। तो मैं बारी बारी करके इनका सबका यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम होल करके देखते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखिए इस बीट के द्वारा होल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसे ऑन करते हैं, ठीक है, इस तरह से काम करें। ये थोड़ा सा नमी है इसके अंदर, इसकी वजह से थोड़ा जो बिट है वो आगे नहीं जा रहा है। तो अब मैं जो आगे से नुकीली छीनी है, ठीक है, इसका यूज करके दिखाता हूँ, यानी इस बिट का यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें इस जो ईंट है यहाँ पे इसको हटाना है, तो इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले तो ये देखिए आप इस मोड़ को देखिए सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, अब देखिए इस ईंट को यहाँ से तोड़ते हैं। ये बड़ी आसानी से होल कर देता है, और करीबन ये होगा करीबन 15 mm का होल कर देता है ये, ठीक है। और ये रोटेट भी करता है और हैमर की तरह भी काम करता है, यानी हथौड़े की तरह भी काम करता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से इसके द्वारा भी हम होल कर सकते हैं, और थोड़ा सा टेढ़ा करके यानी इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरी टूल का यूज़ करके दिखाता हूँ, जो छेनी की तरह होता है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कटर से पहले इसको कट कर दिया है, अब हम इसको हटाते हैं। तो हटाने के लिए हम हथौड़े और छेनी का यूज करते हैं, उसकी जगह इस बिट का यूज करेंगे, यानी दूसरी जो बिट होगी उसका यूज करेंगे। तो देखिए मैंने इस टूल को भी इसके अंदर, यानी इस बिट को भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसका जो मोड है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करके जो हैमर होता है, देखिए इस आइकन को देख सकते हो आप, हैमर होता है उसकी साइड में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं इस जो खांचा है इसको अलग करके दिखाता हूँ, यानी इस खांचे को पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ। और देखिए जैसे हम हथौड़े और छेनी से कल अलग करते हैं, उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको अलग कर दिया है, ठीक है। जिस तरह से हम हथौड़े और छेनी से यूज करते हैं, जिसका यूज करके हम निकालते हैं इसको, ठीक उसी तरह से काम करता है।
तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।